सेमी फ्लोटिंग और फुली फ्लोटिंग एक्सल के बीच में क्या फर्क होता है? सो माय नेम इज पूर्वांग बंद्रे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेमी फ्लोटिंग एक्सल एंड द फुली फ्लोटिंग एक्सल। किसी एक्सल पे कितना लोड पड़ रहा है, इसके बेसिस पे सेमी फ्लोटिंग और फुली फ्लोटिंग एक्सल को डिफर किया जाता है। और इन लोड्स की वजह से किस तरह का स्ट्रेस शाफ्ट या फिर एक्सल में डेवलप हो रहा है, ये बेयरिंग्स के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशियल से निकलकर हाफ शाफ्ट डायरेक्टली व्हील को इंजन का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है और बेयरिंग को डिफरेंशियल हाउसिंग और शाफ्ट के बीच में लगाया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में शाफ्ट पे दो अलग फोर्सेस लगेंगे, एक तो जो टॉर्शनल मूवमेंट या फिर टॉर्शनल स्ट्रेस जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द इंजन स्ट्रोक, और दूसरा गाड़ी के वेट की वजह से नीचे के डायरेक्शन में एक वर्टिकल फोर्स लगेगा। इस टाइप के शाफ्ट को इन दो फोर्सेस को कंसिडर करके डिजाइन किया जाता है, क्योंकि टॉर्क की वजह से ये शाफ्ट ट्विस्ट हो सकती है और व्हीकल के वेट की वजह से ये शाफ्ट बेंड हो सकती है। टेक्निकली ये शाफ्ट ट्विस्ट या फिर बेंड बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज इन्हें ये दोनों फोर्सेस झेलने के लिए बनाया जाता है। और ऐसे टाइप के एक्सल को सेमी फ्लोटिंग एक्सल कहा जाता है। सेमी फ्लोटिंग एक्सल को बहुत से वैन्स और छोटी मोटी एसयूवीज में यूज किया जाता है, लाइक ओमनी एंड इको, जहां पे एक्सल को ज्यादा वेट झेलना नहीं पड़ता। लेकिन जब शाफ्ट को एक हब के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसपे व्हील लगा होता है, और इस हब और डिफरेंशियल हाउसिंग के बीच में जब बेयरिंग को लगाई जाती है, तो यहाँ पे व्हीकल का लोड डायरेक्टली डिफरेंशियल के हाउसिंग पे लगेगा बिकॉज ऑफ द बेयरिंग्स, और शाफ्ट को सिर्फ इंजन का टॉर्क ट्रांसमिट करना पड़ता है, उस पे कोई भी व्हीकल का लोड अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे टाइप के शाफ्ट या फिर एक्सल को फुली फ्लोटिंग एक्सल कहा जाता है। फुली फ्लोटिंग एक्सल्स को हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जैसे कि बसेस हो गई या फिर ट्रक्स हो गई और बहुत से हार्ड कोर ऑफरोडर्स में भी यूज किया जाता है। इस टाइप के एक्सल की एक सबसे बड़ी खासियत ऐसी है कि जब भी एक्सल पे कोई काम करना होगा तो सिर्फ एक्सल और हब को जो कनेक्ट करने वाले बोल्ट से उनको निकाल कर डायरेक्टली एक्सल को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि गाड़ी का पूरा लोड तो डिफरेंशियल हाउसिंग पे लगने वाला है एंड डिफरेंशियल को सस्पेंशन का भी सपोर्ट है, साथ में व्हील का भी सपोर्ट है, तो इसीलिए गाड़ी को जैक पे चढ़ा के ऊपर लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती। सो इन शॉर्ट, सेमी फ्लोटिंग एक्सल पे व्हीकल का वेट लगता है और फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल पे व्हीकल का वेट नहीं लगता। आई होप आपको इन दोनों एक्सल्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अगर हो गया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, अगर नहीं हुआ है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो फिर यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करो, बिकॉज जैसे ही हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स पहुंचेगा मैं अपनी बुक का गिव अवे करूंगा। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड अंटिल देन यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड वॉच माय अदर वीडियोस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।